वेलकम बैक टू माई चैनल इट्स स्टोरी टाइम और मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर ऋषिका। तो चलो आज एक अच्छी सी स्टोरी सुने। लेकिन आज हम कौन सी स्टोरी सुनेंगे? क्या हम एक ऑक्टोपस की स्टोरी सुनेंगे? नो। फिर आज हम एक हेजहॉग की स्टोरी सुनेंगे? नो। आई थिंक आज हम एक टाइगर की स्टोरी सुनेंगे? नो नो नो। आज तो हम सुनेंगे एक रैबिट यानी कि हेयर की स्टोरी। तो चलो शुरू करें। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले लेट्स ऑल सिंग द स्टोरी सॉन्ग। इट्स स्टोरी टाइम, इट्स स्टोरी टाइम, टाइम टू हैव सम फन। इट्स स्टोरी टाइम, इट्स स्टोरी टाइम, लेट्स ऑल हैव सम फन। हे, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की हमारी स्टोरी का नाम है गेस हाउ मच आई लव यू और इसे लिखा है सैम मैकब्रैटनी ने और इसकी ब्यूटीफुल पिक्चर्स को ड्रॉ किया है अनीता जेरम ने। ओह वाओ, ये कहाँ आ गए हम? ये तो हम किसी जंगल में आ गए। और ये जंगल में कौन दोनों हैं? ये दोनों तो हैं रैबिट्स यानी कि हेयर। हेलो दोनों रैबिट्स, कैसे हो? बच्चों आपको पता है इन दोनों हेयर्स यानी कि रैबिट्स का क्या नाम था? अरे भाई बड़े वाले हेयर का नाम था मिस्टर बिग नॉट ब्राउन हेयर और छोटे वाले हेयर का नाम था लिटिल नट ब्राउन हेयर। लेकिन बच्चों हम इन दोनों को अपना ही एक नाम दे दें। बड़े वाले नट ब्राउन हेयर को बोलेंगे बड़े मियां और छोटे वाले नट ब्राउन हेयर को बोलते हैं छोटे मियां, है ना? तो बच्चों हमारे जो छोटे मियां हैं उनको तो बड़ी जोर की नींद आ रही थी और बिस्तर में जाने का टाइम हो रहा था। लेकिन बिस्तर में जाने से पहले उन्होंने पता क्या किया? बड़े मियाँ के लंबे लंबे कानों को जोरों से पकड़ लिया। छोटे मियाँ ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि बड़े मियाँ अपने लंबे लंबे कानों को खोलकर अच्छे से सुने उनकी बात को। फिर जब उन्होंने देखा अरे वाह ये तो सुन रहे हैं मेरी बात, तो उन्होंने बड़े मियाँ से कहा, बड़े मियाँ आप जानते हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। तब बड़े मियाँ ने छोटे मियाँ से कहा, अरे भाई ये तो पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। तब छोटे मियाँ ने बड़े मियाँ को दिखाया अपने हाथ बाहर स्ट्रेच करके बड़े बड़े कर कर कहने लगा, इतना प्यार करता हूं मैं आपसे बड़े मियाँ। जब बड़े मियाँ ने ये चीज देखी तो वो भी खड़े हो गए और अपने हाथ और भी ज्यादा लंबे हाथों को और भी ज्यादा बाहर खींचते हुए कहने लगे, अरे छोटे मियाँ मैं तो आपसे भी ज्यादा, अरे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ आपसे। कोई हमें प्यार करे, कोई जाने सार करे, देख के हमको तो कहते हैं लोग भला, बड़े मियां छोटे मियां सुभानअल्लाह। तब छोटे मियां सोचने लगे, ये तो काफी ज्यादा प्यार है भाई। तब छोटे मियां जी नीचे उतरे जमीन पर और अपने हाथ ऊंचे करते हुए, जितने ऊंचे उनके हाथ जा सकते थे उतने ऊंचे करते हुए कहने लगे, मैं तो आपको इतना ज्यादा प्यार करता हूं बड़े मियां। ये चीज देखकर बड़े मियां भी उठ गए और उन्होंने भी अपने हाथ ऊंचे किए और कहने लगे, अरे इतना ज्यादा, जितने मेरे हाथ ऊपर जा सकते हैं उतना ज्यादा प्यार करता हूं मैं आपसे छोटे मियां। जब छोटे मियां ने ये चीज देखी तो कहने लगे, अरे बाप रे ये तो सच में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं मुझसे, काश मेरे भी आर्म्स इतने ही लंबे होते तो मैं भी इतना सारा प्यार जता सकता। कोई हमें प्यार करे, कोई जाने सार करे, देख के हमको तो कहते हैं लोग भला, बड़े मियां छोटे मियां सुभानअल्लाह। फिर चलकर देखें बड़े मियां और छोटे मियां ने एक दूसरे को किस तरह प्यार जताया। लेट्स गो एंड सी। Do you know मैं तेनु किना प्यार करदा, Do you know मैं तेरे उते किना मरदा, Do you know मैं तेरे लिए तो पिंड छड़दा, Do you know तेरे लिए लोका नाल लड़दा, Do you know। अरे वाह ये देखो बच्चों,
सडनली हमारे छोटे मियाँ जी के दिमाग में एक आइडिया आया। कटिंग! उन्होंने पता है क्या किया? वो तो उल्टे खड़े हो गए, हाँ जी, पेड़ की सपोर्ट लेकर, और कहने लगे बड़े मियाँ से, बड़े मियाँ, मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ जितने लंबे और जितने ऊंचे मेरे पैरों के टोज पहुंचते हैं। ये चीज देखकर बड़े मियाँ भी खड़े हो गए और उन्होंने छोटे मियाँ को गोदी में उठाया और करके हवा में फेंक दिया और कहने लगे, अरे मैं तो आपको इतना प्यार करता हूँ जितने ऊंचे अब जाते हैं आपके पैरों के टोज। कोई हमें प्यार करे, कोई जाने साज करे, देख के हमको तो कहते हैं लोग भला, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभानअल्लाह। फिर छोटे मियाँ जी कहने लगे, अरे बड़े मियाँ, मैं तो आपसे इतना प्यार करता हूँ जितना ऊंचा मैं उछल सकता हूँ, ऐसे करके पोइंग पोइंग पोइंग, और फिर छोटे मियाँ जोर जोर से उछलने लगे, डिंक चिक्का डिंक चिक्का डिंक चिक्का डिंक हाय, डिंक चिक्का डिंक चिक्का डिंक चिक्का डिंक हाय। फिर बड़े मियाँ जी भी उछलने लगे छोटे मियाँ की तरह, जोर जोर से उछल के कहने लगे, अरे भाई मैं तो आपसे इतना प्यार करता हूँ छोटे मियाँ जितना ऊंचा मैं उछल सकता हूँ, पोइंग पोइंग पोइंग। आपको पता है वो तो इतना ऊंचा उछल रहे थे कि उनके कान छू रहे थे पेड़ों तक। फिर छोटे मियाँ ऊपर की तरफ देखकर कहने लगे, अरे भाई बड़े मियाँ तो बड़ा ही ऊंचा ऊंचा उछलते हैं, मतलब कि वो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, अरे भाई काश मैं भी इतना ऊंचा उछल सकता। कोई हमें प्यार करे, कोई जाने साज करे, देख के हमको तो कहते हैं लोग भला, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभानअल्लाह। फिर छोटे मियाँ कहने लगे, अरे बड़े मियाँ आपको पता है मैं तो आपको इतना प्यार करता हूँ जितनी दूर की वो नदी दिखाई दे रही है ना, बस उतना ही दूर का आपको मैं प्यार करता हूँ। फिर बड़े मियाँ कहने लगे, अरे छोटे मियाँ मैं तो आपसे इतना प्यार करता हूँ कि नदियाँ क्या, वो जो पहाड़ दिख रहे हैं ना उतनी दूर, उससे भी ज्यादा दूरी जितना प्यार है मेरा आपके लिए। ये चीज देखकर तो छोटे मियाँ कहने लगे, अरे भाई ये तो कुछ ज्यादा ही कुछ ज्यादा ही दूर लगता है। छोटे मियाँ जी को तो बड़ी जोरों की नींद आने लगी, इतनी जोर की कि अब उनके दिमाग में आइडियाज खत्म हो चुके थे ये बताने के लिए कि वो बड़े मियाँ को कितना ज्यादा प्यार करते हैं। फिर छोटे मियाँ ने अपनी सोती सोती हालत में झाड़ियों के बीच से अपनी नजर ऊपर उठाई, काली काली रात को देखा और सोचने लगे, अरे भाई आसमान से ज्यादा दूर तो और कुछ नहीं हो सकता ना। इतनी ही देर में बड़े मियाँ ने छोटे मियाँ को अपनी गोदी में उठा लिया, जब उन्होंने देखा कि उनको तो बड़ी जोर की नींद आ रही है। फिर छोटे मियाँ कहने लगे बड़े मियाँ से, बड़े मियाँ आपको पता है मैं आपको उतना प्यार करता हूँ जितना दूर चांद दिखता है आसमान में, और ये कहकर उनकी तो आंखें बंद होने लगी नींद से। तब बड़े मियाँ ने कहा, अरे बापरे ये तो बहुत ज्यादा दूर हुआ, अरे भाई चांद तो बहुत 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 ज्यादा ही दूर हो गया। अब छोटे मियाँ जी तो खूब नींद में आ चुके थे, तो बड़े मियाँ ने छोटे मियाँ को जमीन पर रखा और उनके पास आकर बैठ गए और कहने लगे उनके कानों में धीरे धीरे, छोटे मियाँ मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ जितनी दूरी है चांद की और चांद से जितनी वापसी है धरती की, यानी कि आई लव यू टू द मून एंड बैक। डू यू नो मैं तेनु किना प्यार करदा, डू यू नो मैं तेरे उत्ते किना मरदा, डू यू नो मैं तेरे लिए तो पिंड छड़दा, डू यू नो तेरे लिए लोका नाल लड़दा, डू यू नो। तो बताइए कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? अच्छी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर दो आप लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और फ्रेंड्स के साथ करो इसे शेयर एंड लिसन टू मोर स्टोरीज एनी टाइम एनीवेयर। तो चलिए ये थी आज की हमारी स्टोरी टाइम, अब मैं आपसे मिलूंगी
next time with a new story. Until then, it's time to say bye-bye.